बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सबा चैनल। वीवर्स, आज मैं आपके सामने जो अपनी रेसिपी बनाऊंगी वो है अंडा पराठा। और अंडा पराठा हम किस तरीके से बनाएंगे और उसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो चलिए पहले वो देखते हैं। यहाँ मैंने सॉल्ट लिया है मेरे पास, और ये है लाल मिर्च का पाउडर। घी हमने लिया है जो कि हम पराठे पे लगाएंगे और उसको हम जो है वो सेकेंगे। आटा है यहाँ मेरे पास, ये तकरीबन 2 से 3 पेड़ों का आटा है। हरी मिर्ची मैंने ली हैं 4 और उन्हें बारीक कट कर लिया है। 2 मैंने यहाँ अंडे लिए हैं। हरी प्याज है मेरे पास थोड़ी सी, और थोड़ा सा ही मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। तो सबसे पहले हम पेड़े बनाएंगे और फिर हम अंडे का मिक्सचर रेडी करेंगे, और फिर हम उसको किस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। और अब यहाँ मैंने एक प्याली में बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है। इसके अंदर मैं 1 घंटे के हिसाब से जितना हमें नमक चाहिए वो शामिल करेंगे, और उसी हिसाब से हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें। इसको मिक्स करेंगे, फिर इसमें मैं शामिल करूँगी आधी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी प्याज। इसको मिक्स कर लेंगे और हमें इसके अंदर 1 अंडा तोड़ के इसको अच्छे से फेंट के हम एक साइड पे रख देंगे। इसे हम एक तरफ कर देंगे। अब यहाँ हमने आटा लिया, आटे के हम बनाएंगे पेड़े। तरीके से हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। अब यहाँ आटे के मैंने इक्वल साइज़ के दोनों पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको बेलेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा पुश काटे से डस्ट करेंगे, इसको इस तरीके से हाथ की मदद से हम इसको पहले किनारे इसके पतले करेंगे। और हाथ की मदद से ही देखें मैंने इसको कितना बड़ा कर लिया है पेड़े को। और अब हम थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसको मैं बेल लूँगी। इसको हम बड़ा सा बेल लेंगे रोटी की तरह। इस तरीके से मैंने इसको बड़ा सा बेल लिया है। और अब मैं इसके ऊपर घी जो हमारे पास था वो लगा दूंगी चम्मच की मदद से। पूरे इस पे मैंने घी लगा दिया। अब हम इसको रोल करेंगे इस तरीके से। ऐसे मैंने इसको रोल किया। अब हम इसको पेड़े की शक्ल दे देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने पेड़ा बना लिया। अब इसी तरह हम अपना दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। अब यहाँ मैंने दोनों साइज़ के पेड़े जो हमने बनाए थे बिल्कुल इक्वल्स मैंने बना लिए हैं। अब अपने इनको दोबारा से बेलूँगी, इनकी रोटी बनाऊँगी। फिर हम इसको तवे पर डाल के सेकेंगे। पहले मैं इसकी हाथ की मदद से दोबारा से मैंने इसके बिल्कुल किनारे पतले कर लिए। अब हम इसको बेलेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं बेलना कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाए। इसको मैं इस तरीके से बेलूँगी और इसकी साइड्स भी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तवा मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। इसे हमारा राउंड शेप में आ गया है। बिल्कुल इसकी साइड्स जो है मैं हल्के से हाथ से भी प्रेस करके उसको थिन कर रही हूँ। और अब यहाँ तवा बहुत अच्छे से गरम हो गया है, और अब मैं इसके ऊपर ये
रोटी जो मैंने पराठा बेला था उसको मैं इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरीके से। जैसे ये हमारा एक तरफ से सिक जाएगा हम इसकी साइड पलट देंगे। एक तरफ से हमारा सिक गया, अब हम इसकी साइडों पे मैं घी डाल दूंगी ताकि ये हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। अच्छे से हमारा फ्राई हो रहा है, इस तरफ से लाल हो गया। इसको इस तरीके से करके मैं इसकी किनारे भी अच्छे से करके हमारे इसके रेड हो जाएं। चिमटे की मदद से मैं इसको हाथ से इस तरीके से दबाऊंगी और हम इसकी ये वाली साइड भी हल्की सी सेक लेंगे। हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने इसकी दूसरी साइड सेकनी। जैसे ही हमारी हल्की सी सेक गई है फ्लेम में इसका थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर चम्मच की मदद से मैंने इसके ऊपर ये इस तरीके से अंडा डाला है। सबसे पहले इसकी साइडों पे और फिर आहिस्ता से मैं पूरा इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। अब हम आहिस्ता से इसको पलट देंगे। और इसको मैं अच्छे से सेक लूंगी। इस तरीके से पूरा अंडा इस पर चिपक गया है। अब मैं इसको इससे पलट के दोबारा से मैं थोड़ा सा घी इसकी साइडों पे डाल दूंगी ताकि हमारी वो साइड भी बहुत अच्छी सी रेड हो जाए। अच्छा सा हमारा अंडा पक गया है। हल्के हाथ से आपने इसको मूव करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त हाथ लगाएंगे तो आपका पूरा अंडा जो है वो टूट जाएगा और पराठा भी आपका ख़राब हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारा ये सिक गया है। बस अब मैं इसकी साइड्स को हल्का सा प्रेस करके ताकि हमारी जो साइड्स हैं पराठे की वो भी कच्ची ना रहे और कितना अच्छा से इसका कलर आया है। इसको हाथ की मदद से इस तरीके से रोल करूंगी। और जिस तरीके से मैंने पहला पराठा बनाया था उसी तरीके से मैंने अपना दूसरा पराठा भी बना लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आप बच्चों को बना के दें उनके लंच बॉक्स के टिफ़िन के लिए या आप अपने ब्रेकफास्ट में इसे खाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगेंगे। और आप इस रेसिपी को मेरी एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को कुकिंग विद सबा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।